कैंसर रो नारे भय करिबा बंद करंतु। कैंसर इज ए क्यूरेबल डिजीज। स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री रे बहुत लोग भल होती। एडवांस स्टेज रे आम लाइफ प्रोलंग करी पांच रु छ वर्ष कि सात आठ वर्ष भी लाइफ दे पारछु। स्वास्थ्य ही संपद, निज स्वास्थ्य रो जत्न नबा आमर मध्ये दायित्व। एबे आधुनिक जुगरे बर्तमान युवपीढ़ी को बेसी कैंसर आटाक करुछि। आमे सीधा सल भाव आलोचना करवा। आम सहित तो डॉक्टर संजय मिश्र अच्छा जे कैंसर कहीं हुए, कैंसर निराकरण कौन, केमी आम कैंसर जदि अफेक्ट करुच्चे तेल आम कमी मैनेज कर। सर आपको दिल्ली को स्वागत। कौन कौन कहे सर, केमी कैंसर को आम प्रिभेन्ट कर सर? कैंसर गोटे लाइफ स्टाइल डिजीज। आम कौ प्रकार आम लाइफ को मेन्टेन करुचु, कौ प्रकार आम हेल्दी हैबिट्स रखुचु, तापर बहुत परिमाण में डिपेंडेंट। जदिओ किटा कैंसर जेनेटिकली अल्सो ट्रांसमिटेड हुए, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, किसी परिमाण में प्रोस्टेट कैंसर, बट मोस्ट ऑफ द कैंसर आम लाइफ स्टाइल ही आम अचीव कर। सो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर बा खराब लाइफ स्टाइल हूँ आम मुख्य कारण। जमीक मुखगहर कैंसर बा गला कैंसर आम पान, गुटका, सिगरेट आउ अल्कोहल एगुड़ाक लगी बेसी हुए। सेमती खाद्यनाली कैंसर जो आम खाद्य बहुत तेल मसला बा अल्कोहल ये जिनस इनटेक करूँ ता द्वारा खाद्यनाली कैंसर, रेक्टम कैंसर एगुड़ाक बेसी हुए। सेमती ब्रेस्ट कैंसर रीजन हूँ आम डिलेड प्रेगनेंसी हवा, पिला माने जो माँ मैंने क्षीर खुवा छुआ मानक से कम खुएबा न खुएबा, ओसी पिल, कंट्रासेप्टिव पिल एगुड़ाक बहुल व्यवहार। सो एमती लाइफ स्टाइल ब्रेस्ट कैंसर पर सिगरेट आउ अल्कोहल भी दायी। सो लाइफ स्टाइल जब आम मॉडिफिकेशन कर आम हेल्दी लाइफ स्टाइल कौन सी आडिक्सन को आम स्टिक करानी। आम रुटीनली आम एक्सरसाइज किसी परिमाण में घंटाटे हो पछे कि अध घंटाटे हो आम एक्सरसाइज करवा जोधर कि आम बॉडी रे इम्यूनिटी डेवलप हम कैंसर सेल्स को फाइट करने। ता छड़ा आम भल खाद्य खाइबा, जंक फूड अवॉइड करवा, हेल्दी फूड खाइबा। सो एमती किसीटा जिनस लाइफ स्टाइल भलि मॉडिफाई कर पारा आम कैंसर को प्रिभेन्ट कर पारा। प्रथम हूँ आम हेड एंड नेक कैंसर जो ओडिशा रे बा इंडिया रे बहु परिमाण में अच्छी बिकज अफ पान, गुटका एगुड़ाक बहुत व्यवहार लगी। से सब जिनस गुड़ाक आम जब प्रिभेन्ट कर पारा सोशल मीडिया रे हो, पेपर मीडिया रे हो, आम जहाँ सब जनाऊु पेसेंट को से देखिए पेसेंट कैंसर है कौ टाइप सफर होती। जदिव क्योर रेट स्टेज वन स्टेज टू 80-90%, स्टेज थ्री आसीगले आम क्योर रेट खसी जा 50-60% को, स्टेज फोर आसीगले आहरी कमी जा 15-20% ठीक होती। ये जानलापर भी जो मैंने ठीक भी होकर क्वालिटी अफ लाइफ बहुत सफर हो, गोटे पार्टी गोटे पार्ट कटा हो, रेडिएशन पर टेस्ट अफेक्टेड हुए, टिश्यू गुड़ा टी हार्ड हो जाए। सो क्वालिटी अफ लाइफ जो भाई अफेक्टेड हो ट्रीटमेंट पर जब पेसेंट को आम जनईवा सोशल मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, जो भी थ्रू आम जाइए निजे भी गलिकंदी गाँव में टक् दौ सो कौन कौन लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर होद्वारा कैंसर होफर कौ हिसाब से करेंगे तेनालीरु जानवे ताहले मे भी से अवॉइड करेंगे जिनस गुड़ाक। सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एडिक्शंस, अल्कोहल, सिगरेट एगुड़ा पूरा वर्जन करवा निहाती दरकार। गवर्नमेंट तरफ से सब जिनस अवेलेबल करवा बंद करने, बट जिते आम लोक जिते एजुकेट करवा से जिनसा प्रिभेन्ट करेंगे। ता छड़ा केतेटा भाइराल रिजन अच्छी, ह्यूमन पापिलोमा भाइरस गोटे भाइरस जोटा कि गर्भकोश कैंसर में 90-98% पर्यंत जड़ित। तो एवं से लगी ह्यूमन पापिलोमा भाइरस एचपीपी गोटे वैक्सीन बाहरी जोटा कि सब लेडी मानक 12 वर्ष पर देवाई कंपलसरी कराऊँ बिफोर तक सेक्सुअल एक्सपोजर हाँ पूर्व। सो गली कंदी गाँ गहली सब डॉक्टर मानक आम एजुकेट करुँ, गायनेकोलोजिस्ट मैंने प्रमोट करते वैक्सीन टा नाप ताद्वारा आम सर्वाइकल कैंसर प्रिभेंशन हो पार। सिमिलरली बहुत गुड़े हेड एंड नेक 20-25% अफ हेड एंड नेक कैंसर में भी ह्यूमन पापिलोमा भाइरस रोल मिली। तेणु मेल मानक भी जो ह्यूमन पापिलोमा भाइरस दिया पार वैक्सीन टाइम प्रिभेंशन हो पार। सिमिलरली आम जब गोटे सामान्य मामोग्राम ब्रेस्ट जोड़ा को एक्सरे कहते जब 30-35 एज पर वर्षक थे थे करवा अर्ली स्टेज रे ब्रेस्ट कैंसर बा प्री कैंसर स्टेज रे हमें डिटेक्ट कर पारिबा। सर्वाइकल कैंसर गोटे सामान्य पाप्समियर जब आम वर्षक थे करवा जोटा कि रेकमेंडेड 35 वर्ष पर वर्षक जी आम कर चलिया आम बहुत अर्ली स्टेज रे बा प्री मैलिग्नेंट स्टेज रे हमें सेड़ा को डिटेक्ट कर पारिबा। तेणु आम जानवा दरकार जे कौन स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी अच्छी। जापान रे स्टमक कैंसर बहुत अधिका किंतु तांकर अर्ली स्टेज रे डिटेक्शन 90% केस रे काहेकि सबु लोकंकु आफ्टर सर्टन एज वर्षक थे एंडोस्कोपी कंपलसरी रूटीनली गवर्नमेंट तरफ कराए। सो से कौन हुए बहुत अर्ली स्टेज रे कैंसर डिटेक्ट हो पार। तेणु आम जानवा दरकार जे कौ कौ कैंसर रिस्क फैक्टर कौन, लाइफ स्टाइल कौन मॉडिफिकेशन करवा और सबुर स्क्रीनिंग टेस्ट कौन। सो से प्रति जब आम जत्नवान हवा ताहले आम कैंसर को या तो प्रिभेन्ट कर पारा या तो अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट कर पारा। कमिंग टू ट्रीटमेंट, ओडिशा रे वर्ल्ड क्लास सब ट्रीटमेंट अवेलेबल अच्छी कमिंग फ्रॉम सर्जरी टू रेडियोथेरापी टू केमोथेरापी। तीन टा मेन ट्रीटमेंट विभाग अच्छी। सर्जरी रे सब जिते सर्जन अच्छा से वेल ट्रेंड
एडवांस टेक्नोलॉजी रे समस्ते काम करुछंती, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, एवरीथिंग अवेलेबल इन ओडिशा। सेकंड, रेडिएशन रे एबे टेक्नोलॉजी रे बूम होउची, आमे आईजीआरटी हो, आईएमआरटी हो, वीमैट टेक्नोलॉजी हो, ट्रू बीम टेक्नोलॉजी हो, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरापी हो, जोटा कि पेंसिल बीम रे प्रिसाइजली गोटे छोटो एरिया को आम हाई डोज रे ट्रीट कर पारिबो, ताकु स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरापी कहुए, कहीं ना सर्जरी भाया तार रिजल्ट हुए। सो ये सब टेक्नोलॉजी आम ओडिशा रे अच्छी एंड आम सब वेल ट्रेंड होकर बाहर आसिक ओडिशावासी को सही सर्विसटा देवा पई आम एठी आसिक फेरिकी लोक सेवा दबा को राजी भी अच्छू, तेणु टेक्नोलोजी रे किछ अभाव नहीं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी बा कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, तार सब फैसिलिटी जहाँ आपको वर्ल्ड वाइड जो जगह भी मिल पार सब आम ओडिशा रे अच्छी। गवर्नमेंट रो जो विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना गोटे अच्छी बीएसकेवाई कार्ड, ता देहरे कैंसर रो सब प्रकार चिकित्सा डायग्नोसिस पेटसीटी जोटा आम गोटे मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ डायग्नोसिस बॉडी रो होल बॉडी रो गोटे पेटसीटी करा जाए, कोठी कोठी डिजीज अच्छी सब जानी पार से पेटसीटी ठू आरंभ कर सब प्रकार चिकित्सा बीएसकेवाई कार्ड में मागणारे अवेलेबल आ सब बड़ बड़ हस्पिटाल गुड़ाक अवेलेबल अच्छी। तेणु गवर्नमेंट तरफ एत सुविधा देलापर पेसेंट मैंने निज रोग को लुचेवा कथ नुह मनरे गोटे भय आसे कैंसर ना शुणा मैंने डरी जाते आम मरीजु फैमिली ठू लुचाती फैमिली गोटे ट्रमा एमती बेले बेले हो पेसेंट को डिस्क्लोज कला बेले पेसेंट बेहोश भी हो जाती। सो आम केयरफुली हैंडल करूँ के टैक्टफुली पेसेंट को मेंटली केमी कम्फर्टेबली काउनसिल करूँ से गोटे डॉक्टर रो मुख्य रोल। तेणु मो पाखे जो पेसेंट काउनसिल जाती सर अधा रोग से भल हो जाए भावता गोटे कन्फिडेन्स मिले आम ये ठीक हो पार। सो से ही जिनसा गोटे पेसेंट को मोटेट केमी कर रिलेटिव मैंने केमी मेंटली सपोर्ट देते सेगुड़ा भी आम काउनसिल कराया पड़े। तेणु इट्स नॉट ओनली द पेसेंट, पूरा फैमिली गोटे कैंसर है मैंने डायग्नोसिस पूरा फैमिली अफेक्टेड हमें। सो प्रॉपर्ली तांको समस्त को हमें ट्रेन करा पड़े जो आपने कौ टाइप सपोर्ट पेसेंट को देते खाद्य ठू आरंभ कर मेंटल स्टेटस को कमी बूस्ट करेंगे। आ मु पर्सनाली कहूँ जो पेसेंट मैंने मोटेटेड होती से बिलीव करते आम ठीक ही जाऊँ रिजल्ट भी फरक पड़े रिजल्ट अलग लोगों ठूँ सुपीरियर आसे। सो से पार्टा को आमको देखा पड़ो। देखो ए कैंसर छोट पा होती बापा माँ मैंने बहुत ट्रेस रोचान बहुत दिन पर जहाँ पिलाटे हो छोट पाटे कैंसर होने दीर्घ दिन धरी भुवनेश्वर में पड़ रोचान चिकित्सापी बहुत अर्थ खर्च होमती भी होती विजु स्वास्थ्य कार्ड रैसा जो रही पैसा भी संपूर्ण खर्च होतापर से अति दयनीय पिस्थित मागि जा चलिया भी मैंने तुम्हें कष्ट पड़ता है कमी पिला बचेबे कमी कहीं छोट पा कैंसर कौन हो एक्चुअली किसीटे कैंसर प्रिभेलेंट चाइल्डहुड रे हुए जमीक आम लिम्फोमा ल्युकेमिया जोटा कि ब्लड कैंसर गुड़ाक ह्वैट ब्लड सेल कैंसर रेड ब्लड सेल कैंसर से पिलाबले हुए। लिम्फोमार तो रिजल्ट बहुत ही भल लिम्फोमार आम अलमोस्ट 90-95% हजकिस नन हजकिस लिम्फोमार ठीक हो जाती ओनली ट्रीटमेंट आमको ठीक टाइम अवेल कराया पड़े। कमिंग टू ल्युकेमिया जोटा कि डिफिकल्ट येस ल्युकेमिया केतटा ल्युकेमिया ट्रीटमेंट करा बहुत डिफिकल्ट हुए कहीं ट्रीटमेंट रे जो कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट अधिका हुए ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करा सब खर्च हुए बट गोटे खराब डिजीज कहार केतटा पार्ट केतटा ल्युकेमिया बहुत खराब बट केतटा ल्युकेमिया पेसेंट ठीक ही होती जिन सीएमएल इमाटिनी बोली गोटे टैबलेट बाहर पेसेंट अलमोस्ट 90-95% सब ठीक ही होती। सो धीरे धीरे नुआ नुआ ट्रीटमेंट आसूँ इनिशियली सोडा टी एक्सपेंसिव रहिबो बट तापर धीरे धीरे जब मार्केट को आसी जीवो तार रेट भी कमी जीवो बट बीएसकेवाई रे सेफ मानक भी ट्रीटमेंट करा होची। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेन ट्यूमर हो बा पेशेंट मानक छोटे छोटे जगह जो मांस बाहर न्यूरोब्लास्टोमा नेफ्रोब्लास्टोमा से गुड़ाक क्यूरेबल बट ब्रेन में मुझे देखुची केतटा पिला एडवांस्ड हाई ग्रेड ब्रेन ट्यूमर होची जोड़ा कि डिफिकल्ट टू ट्रीट डिफिकल्ट टू क्योर बेसिकली थ्री ग्रेड फोर ब्रेन ट्यूमर में 5-6 वर्ष अधिक लाइफ दे हेनी से गुड़ाक एवं भी मेडिकल साइंस तरह स्ट्रगल करुच्छी केमी उपाय बाहर केमी ठीक कर। सो वी आर स्टिल इवल्विंग देखिए छोट पा कैंसर होपा ना कि मार ना तेल छोट पे आसूस कौट कैंसर भाइरस आज जमी जो कहली किसीटा जिनस जेनेटिकाली अच्छी किसी जिनस आक्वेड अच्छी बडी म्यूटेसन से पार म्यूटेसन हो कैंसर सेल्स हो पार। एबे रिसेंटली जो ब्रेन ट्यूमर कथा कहली मे बी मोबाइल रो बहुत यूज लगे भी ब्रेन ट्यूमर हो पार पाने जो मोबाइल को बहुत आडिक्टेड होती तार जिते रिसर्च ट्रायल चलती पब्लीश होनी मे बी से पाँच कि पॉजिटिव रिजल्ट अच्छी। सो अल्ट्राभायोलेट रेडिएशन हो मोबाइल रो रेडिएशन फ्रिक्वेन्सी हो जो मोबाइल टावर जो रेडिएशन आसूस तो एगुड़ा द्वारा किसीटा ब्रेन ट्यूमर हो पार। हाँ इट इज पैथेटिक जो छोटे छुआ को बापा मैंने नहीं कि आसता देखा को बहुत कष्ट लगे से सब आशा भरोसा बापा माँ ठीक करदे। सो बहुत पैनिक लगे आमको भी ट्रीटमेंट कला बेले बट जो मैंने ठीक ही जाती बड़ होकर पुणी आमको देखा करा आसमें बहुत खुशी भी लगे। सो इट्स नॉट ओनली कि समस्ते ट्रीटमेंट हो ठीक हो पारे गुड़ाए पिला ठीक भी हमें गुड़ाए पिला हाँ खराब रिजल्ट भी देखा देखा जाए छोट पा जोबले से भाइर आटाक कैसे चिड़चिड़ी हमें से बेसी मोबाइल आडिक्ट हो जाती
ଏଇଟା ସେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହୁଏ ନା ବାପା ମା ମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତିନି? ପିଲାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ନିଜର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲଟେ ଧରାଇଦେଲେ, ସେ ତାର ମୋବାଇଲ ଦିନ ତମାମ ମୋବାଇଲ ସହିତ ରହିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରେ, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ମୋବାଇଲର ବହୁଳ ୟୁଜ୍ ତ ହେଉଛି, ସୋ ତାର ରୋଲ୍ ବି ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସରରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ସୋ ଆମେ କୌଣସି ବି ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ହେଉ ସବୁଥିରେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ରହୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର୍ ରିଜନ୍। ତାକୁ କେମିତି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା, କେମିତି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଦେବା, ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ଦି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାଇବା କି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚିପ୍ସ ହେଉ ଫ୍ରାଏ ହେଉ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଇବା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମେବି ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କିଛି ପରିମାଣରେ। ବଟ୍ ହଁ, ଟାଇମ୍ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଖାଲି ମାନେ ନିଜକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଡିକ୍ସନ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡେଫିନେଟଲି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଆଫେକ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକେ କେତେ ସତର୍କ ରହିବେ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ? ସୋସାଇଟିକୁ ମୋର ଏ ମେସେଜ୍ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସରର ନାଁରେ ଭୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଲଙ୍ଗ୍ କରିକି 5-6 ବର୍ଷ କି 7-8 ବର୍ଷ ବି ଲାଇଫ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ। ସୋ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଅପ୍ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆସିକି ଆମକୁ କନ୍ସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଡପ୍ଟ କରିବା, କିଛିଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍କୁ, ଆଡିକ୍ସନ୍ କିଛି ରଖିବାନି। ଯେତେ ଆପଣ ଭଲ ହେଲ୍ଦି ସର୍କଲ୍ରେ ମିଶିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ହେଲ୍ଦି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେ କୌଣସି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କାର୍ଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧାରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇପାରୁଛୁ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଶସ୍ତା ନୁହଁ, ବଟ୍ PSKV କାର୍ଡ଼ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ଇଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବି ଫ୍ରିରେ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବଢ଼ିକି ହାତ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟ୍ ହୋଇକି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେତିକି ଖୁସି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଲାଗେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ଆମକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରୁନା ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟା ଦେଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ଏ ମେସେଜ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଇଜ୍ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍, ଇଜିଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାଇକରି ପ୍ରତି ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସୋସାଇଟିକୁ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ଫ୍ରି ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ପେପର ବା TV ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭୟାବହତା କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ନ ଲୁଚେଇକରି ଅପ୍ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆସିକରି ଆଗକୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ଭୟାବହତାକୁ ନେଇ କେତେ ଆମେ ସତର୍କତା ରହିବା, ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ କେତେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଦିନ ଲାଇଫ୍।